हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के इस समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना समय YouTube पे बिताते हैं। काफ़ी सारे लोग तो YouTube का यूज़ एज अ इंटरटेनमेंट करते हैं, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो YouTube का इस्तेमाल पैसा कमाने के लिए करते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में भी कहीं ना कहीं YouTube के थ्रू पैसा कमाने की इच्छा है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से अपना एक YouTube अकाउंट बना के, यानी YouTube पे एक चैनल क्रिएट करके आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में आप वन बाय वन, यानी स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस जानेंगे कि आपको YouTube चैनल कैसे बनाना है, YouTube चैनल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, आपको उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, और आपको किस तरीके से वीडियो बनाना पड़ेगा, वीडियो को कैसे आपको रीच करना होगा, वो सब आप इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरीके से आप यूट्यूब पे काम करके अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और किसी भी तरीके का अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आप एक YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हैं या YouTube पे कहें एक अकाउंट आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है Gmail ID की। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक Gmail ID का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास Gmail ID नहीं है तो आप YouTube पे अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले एक Gmail ID होनी चाहिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है कि आप Gmail ID कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उस Gmail ID के थ्रू आप YouTube पे अपना चैनल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चल जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा बताना चाहूँगा कि आपको Gmail ID थ्रू करने के बाद, Gmail ID थ्रू करने के बाद, YouTube अकाउंट बनाने के बाद, आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना होगा, क्या क्या जरूरी स्टेप्स लेने होंगे जिससे कि आपका YouTube चैनल ग्रो करे। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, YouTube चैनल बनाते समय आपको कुछ चीज़ों पे फोकस रखना होगा। जैसे कि मान लीजिए आप एक YouTube चैनल बनाने वाले हैं, ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप किस टॉपिक के ऊपर YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब आप YouTube पे तो चैनल क्रिएट कर लेंगे, बट आपका टॉपिक क्या रहेगा, आप क्या उस पे करने वाले, आप म्यूज़िक, डांसिंग, या टेक्स रिलेटेड, या न्यूज़ रिलेटेड, या किस तरीके की वीडियो आप उसमें डालना चाहेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, YouTube चैनल बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, तो उसमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होते हैं Gmail ID की। ठीक है, तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा, और Gmail ID कैसे बनाते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा YouTube चैनल, जब आप Gmail ID बना लेते हैं तो अब उसके थ्रू आप YouTube चैनल भी क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करो YouTube चैनल का नाम। देखो दोस्तों, आपने यूट्यूब चैनल तो क्रिएट कर लिया, ठीक है, तो यूट्यूब चैनल का नाम आपको क्या रखना है ये आपको पता होना चाहिए। सपोज डेट अगर आप डांसिंग से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपके YouTube चैनल का जो नाम होगा उसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, सिंगिंग से रिलेटेड अगर आप YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका YouTube चैनल का जो नेम होगा वो भी उससे रिलेटेड होगा। अगर आप टैक्स से रिलेटेड YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हैं तो आपका नाम ओबियसली टैक्स से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को क्लियर रखना है YouTube चैनल क्रिएट करने से पहले कि आपका जो वीडियो का टॉपिक है वो क्या होने वाला है। और एक चीज़ का और ही आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप YouTube चैनल का नाम सोचते हैं उसमें क्या बोले तो आप बोल सकते हैं कि यूनिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपने कोई एक नाम सोचा, ठीक है, मेरे YouTube चैनल का नाम ये होगा, सपोज दैट XYZ होगा, बट अगर उस नाम पे ऑलरेडी पहले से कोई YouTube चैनल है, या फिर ऐसा कोई मूवी है, या फिर ऐसा कोई सॉन्ग, या फिर ऐसा कोई टीवी शो या वेब सीरीज, कुछ भी पहले से ऐसा कुछ है, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। सपोज इट आपने कुछ YouTube चैनल का नाम लिया, सामने सर्च अपने YouTube चैनल का नाम रखा, और जब आपका वीडियो कोई बंदा या आपका चैनल कोई बंदा सर्च करने की कोशिश करेगा, अगर वो आपके चैनल का नाम डालेगा तो हो सकता है कि आपका चैनल सर्च में ना आए, और पहले से जो उस पर मूवी बनाया, चाहे वीडियो बनाया, चाहे कुछ भी हो, अदर चैनल हो, वो उसका सर्च में आ जाए। मतलब वो फाइंड करना चाहेगा
आपके चैनल को, बट उसको क्या मिलेगा, दूसरे का चैनल या दूसरे का मूवी मिलेगा, तो उस केस में आपका लॉस होगा। तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपका चैनल का जो नाम होना चाहिए, एक तो वो यूनिक होना चाहिए, किसी भी चैनल के नाम से मैच नहीं खाना चाहिए, और बोलो तो क्लियर होना चाहिए नाम। नाम से पता चलना चाहिए कि आपके वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, आपका चैनल किस टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है कि आपके चैनल का जो नाम हो आपके वीडियो के टॉपिक से मैच करे, ठीक है। दूसरी बात करें तो चैनल का लोगो, ठीक है। जैसे आपका चैनल का टॉपिक होगा, यानी चैनल का टाइटल होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसका लोगो होना चाहिए, ठीक है। टैक्स रिलेटेड है तो आपको टैक्स रिलेटेड कुछ लोगो क्रिएट करना होगा। डांसिंग से रिलेटेड है या डांसिंग से रिलेटेड आपको कुछ यूनिक टाइप का भी होना चाहिए, ठीक है। तो लोगो भी क्रिएटिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि वो आपका एक ब्रांड है। कभी भी कोई भी नया बिजनेस कोई स्टार्ट करता है तो वो अपने बिजनेस का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखता है, उसका एक लोगो क्रिएट करता है जिससे उसकी पहचान होती है। तो उसी तरीके से जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम होगा, आपके यूट्यूब चैनल का जो लोगो होगा, उससे आपकी पहचान बनेगी, ठीक है। तो आपको उस पर भी खासा ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से आपको अपने चैनल का लोगो डिज़ाइन करना है, या किस तरीके से आपको उसको लोगो बनाना है, इसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको अपने चैनल का क्या नाम, अपने अपने चैनल के लिए किस तरह का लोगो बनाना है, और आप इजीली बना पाएंगे, काफ़ी इजी तरीके से। आप उस वीडियो को अगर देखते हो तो आप काफ़ी इजी तरीके से आप लोगो बना पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी यूट्यूब चैनल और भी सारी बहुत सारी वीडियोज आप सर्च करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से आपको अपने यूट्यूब चैनल के लोगो बनाना है। एक एप्लीकेशन का नाम बता देता हूँ, पिक्सल लैब है, मैंने भी उसी से अपने यूट्यूब चैनल का लोगो बनाया था और बैनर बनाया था, तो आप उसका यूज़ करके भी यूट्यूब चैनल का लोगो बना सकते हैं। और उसी तरीके से आपको बैनर भी बनाना है, बैनर भी आपको ध्यान रखना है कि आपका बैनर भी उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से आपका, मतलब आपने अपना लोगो क्रिएट किया है चैनल के लिए और चैनल यूट्यूब चैनल का नाम आपने क्रिएट किया है। तो आपको उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, यूट्यूब चैनल का नाम यानी टाइटल बोल सकते हैं आप, लोगो और उसका बैनर, वो तीनों मैच करना चाहिए एक दूसरे से, तीनों को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ये जो चैनल बना है ये इस टॉपिक के ऊपर चैनल बना है, ठीक है। टैग के ऊपर रहेगा तो टैग से रिलेटेड, डांसिंग के ऊपर डांसिंग, न्यूज़ से रिलेटेड न्यूज़ से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, या एजुकेशन पर्पज से रिलेटेड है, तो उस तरीके का तीनों फॉर्मेट होना चाहिए। उसके अलावा जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको उस चीज़ में ध्यान रखना है, वो डिस्क्रिप्शन। मतलब आपने चैनल क्रिएट किया, आपने उसका टाइटल दे दिया, आपने लोगो भी बना दिया, आपने बैनर भी बना दिया, जिस टॉपिक के ऊपर आपका वीडियो बनने वाला है उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको उसमें देना पड़ेगा। आप डांसिंग के ऊपर बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस तरीके से ब्रीफ करना पड़ेगा कि दोस्तों मेरा ये चैनल है, इसमें मैं डांसिंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊँगा, और आपको अलग अलग तरह के स्टेप्स में आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको डालना पड़ेगा, टैक्स रिलेटेड आपको टैक्स रिलेटेड डालना पड़ेगा, किस टाइप का वीडियो डालने वाले हो, किस तरीके से आप हफ्ते में कितना वीडियो देने वाले हो, महीने में कितना वीडियो, इस तरीके का आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इन चार बात का ध्यान रखना है, पहला एक यूट्यूब चैनल पर आपका यूट्यूब चैनल का नाम, दूसरा यूट्यूब चैनल के लिए लोगो, उसके लिए बैनर, एंड देन डिस्क्रिप्शन जो है वो मैच करना चाहिए, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों का इसमें खासा ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें मैच होनी चाहिए। तो ये तो है इम्पॉर्टेंट थिंग कि इसमें आपको, मतलब जीमेल रिक्वायरमेंट है, यूट्यूब चैनल का नाम रिक्वायरमेंट है, और यूनिक भी होना चाहिए, चैनल का लोगो बैनर और इसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लिया, यूट्यूब चैनल क्रिएट तो कर लिया, अब उस यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो बनाना है और अपने वीडियो बना के डालना है, उसको पॉपुलर करना है, तभी तो पैसे आप अर्न कर पाओगे। मतलब ऑब्वियसली अगर आप वीडियो बनाओगे नहीं, या क्रिएटिव वीडियो नहीं बनाओगे, तो आप उस पर कैसे काम करोगे, आप उससे पैसे कैसे कमाओगे, ठीक है। तो हम उसके बारे में भी जानेंगे कि आपको अपने चैनल को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। तो वो क्या है, तो चलिए हम सबसे पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले सही सब्जेक्ट का चुनाव, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा
कि आपको क्या करना होगा। सबसे पहले सही सब्जेक्ट का चुनाव करना है कि आप एग्जैक्टली किस टॉपिक के ऊपर यानी किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपने चैनल बना लिया, ठीक है, मेरा टैक्स रिलेटेड चैनल बन गया है। अभी आपको टैक्स रिलेटेड चैनल तो बना लिया, अभी आपको वो देखना है कि आपको टैक्स रिलेटेड किस टाइप का वीडियो बनाना है। सही सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि मैं टैक्स रिलेटेड इस तरीके की वीडियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना। सपोज दैट आपको बनाना है टैक्स रिलेटेड बहुत सारी चीज़ होती हैं। अभी मान लीजिए आपने अनबॉक्सिंग का बना लिया, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर अनबॉक्सिंग का आपने बना लिया, फ़ोन अनबॉक्सिंग, लीड अनबॉक्सिंग, ये अनबॉक्सिंग, मतलब अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। फिर आपने बीच में क्या किया, आपने यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बना के डाल दिया, ठीक है। फिर आपने बीच में क्या किया, आपने कुछ अलग टैक्स रिलेटेड न्यूज़ लेके डाल दिया, ठीक है। मतलब इस तरीके का अगर आप करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने चैनल को, जो आपका चैनल ग्रो होगा वो थोड़ा स्लो ग्रो होगा, ठीक है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है आप उसी के आसपास आपको वीडियो बनाना है। सपोज डैट आप यूट्यूब से रिलेटेड अगर वीडियो बनाते हैं तो जो आपका जो वीडियोज़ होंगे आने वाले समय में, जो आप वीडियोज़ बनाएंगे वो सिर्फ यूट्यूब से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है, यूट्यूब से रिलेटेड होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसको क्या लगेगा कि हाँ ये जो क्रिएटर है, ये जो बंदा है, ये इसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाता है, तो आपके वीडियो को वो सर्च इंजन में लेकर आएगा। यानी कोई बंदा अगर सर्च करेगा तो आपका वीडियो उसको शो होगा, ठीक है, उसके सजेशन में आएगा। अब उस बंदे ने आपका एक वीडियो देखा, ठीक है, उसने आपका वीडियो देखा तो चांसेस रहता है कि आपके जो दूसरे वीडियोज़ है वो भी उसके सजेशन लिस्ट में आए। बट उस केस में अगर आपने वीडियो बनाया है यूट्यूब के ऊपर और दूसरा वीडियो बनाया है किसी और टॉपिक के ऊपर, तो हो सकता है कि यार लगेगा यार इस बंदे ने अभी तो ये वीडियो, दूसरा वीडियो इसका, तो वो आपके उस वीडियो को नहीं देखेगा। बट अगर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा तो आपके दूसरे वीडियो को भी वो वॉच करेगा। तो आपको इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है, जो आपका सब्जेक्ट हो वो आपको क्लियर हो कि मैं इसी टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना और इसी टॉपिक के ऊपर बैक टू बैक आपको वीडियो अपलोड करते रहना है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको ये नहीं देखना है कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर आ रहे कि नहीं आ रहे, व्यूज़ आ रहे कि नहीं आ रहे। यूट्यूब है, इसमें समय लगता है, लोगों को साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल लग जाते हैं, किसी किसी को 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं, आपको इसमें समय देना होगा, ठीक है। तो आपको ये क्लियर, पहला टॉपिक तब क्लियर होगा कि मुझे आपको सही सब्जेक्ट का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको सब्जेक्ट क्लियर रहेगा तो डेफिनेटली आप अपने चैनल पे क्लियर रहेंगे कि मुझे हर बार किस तरह का वीडियो अपलोड करना है, किस तरीके का वीडियो मुझे बनाना है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का खासा ध्यान रखना है, सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सब्जेक्ट क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है ना। अभी आपको लगेगा कि मैं सब्जेक्ट का चुनाव कैसे करूँ, मैं सब्जेक्ट को कैसे मतलब देखो कि मुझे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो या इस टॉपिक से वीडियो, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी जो बड़े क्रिएटर्स हैं, जो अगर आप टैक्स रिलेटेड वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर डांसिंग से रिलेटेड या फिर सिंगिंग या फिर एंटरटेनमेंट या एजुकेशन, तो उस फील्ड में जो टॉप के जो क्रिएटर्स हैं आप उनको फॉलो कर लो, आप उनको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और उनके वीडियो को वॉच करो। दो चार बड़े चैनल जो हैं आप उनको सब्सक्राइब कर लो और उनके वीडियोज़ को आप देखो, ठीक है, कि वो किस तरीके के वीडियो इन्होंने लास्ट कुछ मंथों में बनाया है। इससे उनको आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइप का वीडियो बनाना है और टॉपिक आपको चुनने में, सब्जेक्ट आपको चुनने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा टॉपिक चुनने में, सब्जेक्ट चुनने में, ठीक है। सपोज आपने 4 बड़े क्रिएटर्स जो है उनको सब्सक्राइब कर लिया, अब आपने उनके कुछ 5-10 वीडियोज़ पिछले देखे, तो आपको पता चलेगा कि उनका जो वीडियो बनाने का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, उसका एक दायरा है, उसी दायरे में वो लोग वीडियो बनाते हैं, उससे ज़्यादा, उसके ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं और वो उनको पॉपुलर, वो वायरल भी होता है। ऐसा नहीं है कि उनका 1 मिलियन या 10 मिलियन ऐसे ही हो गया, ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने उस टॉपिक को ध्यान में रखा, मुझे क्या बनाना है, उन्होंने उसको फॉलो किया, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, 4-5 बड़े क्रिएटर्स को फॉलो कर लेना है, उनको सब्सक्राइब कर लेना है, उनके वीडियोज़ को वॉच करना है, समझना है कि उन्होंने किस टाइप का वीडियो बनाया है, आपको उसी तरीके से आपको फॉलो करके, उनको फॉलो करके आपको उसी तरीके से वीडियो क्रिएट करना है। हर क्रिएटर्स करता है, हर कोई करता है, बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करता है, उन्हीं को
कॉपी करता है, उन्हीं से सीखता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता है। ठीक है, कोई भी नया बंदा खुद से कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है, उसको किसी ना किसी को फॉलो करना पड़ता है सीखने के लिए, तभी जाके वो उस चीज़ को ग्रो कर पाता है। तो आपको अगर ग्रो करना है तो आपको बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से वीडियो बना रहे, किस तरीके से वो टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहेगा आपका पहला कि आपको सही सब्जेक्ट का यानी सही टॉपिक का चुनाव आपको होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात करें रिसर्च करना, दूसरा है रिसर्च। अभी मान लीजिए आपने सोच लिया है कि मुझे टेक के ऊपर वीडियो बनाना है, ठीक है, आपके दिमाग में आ गया कि नहीं यार मुझे अभी टेक के ऊपर वीडियो बनाना है, और आपने क्या किया, आपने एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाए, ठीक है, आपने उस पर रिलेटेड एक वीडियो बना लिया। अभी आपने वीडियो बना लिया, वीडियो बनाने के बाद आपने उसको अच्छा खासा मतलब एडिटिंग वगैरह करके आपने उसको अपलोड कर दिया। ठीक, अपलोड करने के बाद आपके वीडियो से व्यूज़ आ गया, बाद में पता चलता है कि इसमें जो आपने जानकारी दी वो गलत दी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, आपको गालियाँ भी पड़ सकती है। अब ज़्यादा व्यूज़ आ गए तो आपका उसको मन भी नहीं करेगा कि मैं उसको डिलीट करूँ। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि जो भी आप वीडियो किसी टॉपिक पर बना रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो रिसर्च है वो आपको ज़रूर करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने किसी एक वेबसाइट पे गए, आपने उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आप जिस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं आपने वो रिसर्च किया, सर्च किया और उस पर आपने पढ़ा, ठीक है ये है ये 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 या उससे वीडियो देखा, ठीक है हो गया, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको 4-5 वेबसाइट पर विजिट करके उसके बारे में क्लियर जानकारी ले लेना है कि हाँ भाई जो इस वेबसाइट पर जो दिखाया है वो क्या सही है, दूसरे वेबसाइट पर भी वही है, तीसरे वेबसाइट पर भी वही है, उससे रिलेटेड 2-3 वीडियो भी आप देख लेना है। तो जो आप वीडियो बनाओगे आपको क्लियर रहेगा कि हाँ भाई इस जगह भी यही बताया गया है, इस जगह भी यही बताया गया है, इस वीडियो में भी यही बताया गया है। जब आप सही से रिसर्च कर लोगे तो आप उस पर और भी अच्छे तरीके से वीडियो बना पाओगे। ठीक है, तो लोगों को क्लियर रहेगा। ठीक है, इससे होगा क्या, आपका समय बचेगा, आपके जो गलती जो आप करने वाले होगे आप गलती नहीं करोगे उस पर। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, वीडियो बनाने से पहले अच्छी तरीके से रिसर्च कर लेना है। बड़े क्रिएटर्स को मैंने इसलिए बुलाया कि आप बड़े क्रिएटर्स फॉलो कर लो, अगर उन्होंने उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाया होगा तो आप उस वीडियो को देख के उनसे सीख के तो आप उस टॉपिक पे करेक्ट जानकारी लोगों को दोगे। ठीक है, अगर आप बिना रिसर्च किए वीडियो बना के अपलोड कर देते हो, उस पर व्यूज़ भी आ जाते हैं, तो लोग आपको हो सकता है गालियाँ भी दें और आपके दूसरी वीडियो को वॉच भी ना करें, क्योंकि उनको अपने गलत मतलब जो मैसेज था वो आपने पहुंचाया, आपने जानबूझ के नहीं पहुंचाया बट गलती से चला गया। अगर आपने पहले से रिसर्च करके रखा होता तो शायद आपसे वो गलती नहीं होती। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी अगर आप वीडियो बनाते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर आपको रिसर्च कर लें कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो सही बना रहा हूँ, जो ये टॉपिक है ये सही है, ये जो न्यूज़ है टेक्स रिलेटेड जो आप बना रहे हैं वो सही न्यूज़ है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, फेक तो नहीं है, ठीक है, स्कैम तो नहीं है। तो इस चीज़ का आपको खासा ध्यान रखना है कि आपको सही तरीके से उसको रिसर्च करना है। ठीक है, जब आप सेटिस्फाई हो जाए हाँ कि ये जो टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ये जेन्युइन टॉपिक है, इस पर कोई फेक नहीं है, कोई स्पैम नहीं है, तभी आप उस पर वीडियो बनाएं। ठीक है, तो आपको दो चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, एक तो सही सब्जेक्ट का चुनाव, दूसरा जो आपने सब्जेक्ट चुना है जो आप वीडियो बनाना चाहते हैं उसको सही से आप रिसर्च करें। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आपका क्लियर होता है। तीसरे टॉपिक की बात करें तो स्क्रिप्ट। ठीक है, आपने सब्जेक्ट चुन लिया कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसके ऊपर रिसर्च किया, काफ़ी समय दिया आपने रिसर्च किया, सही जानकारी इकट्ठी की, बट हर एक चीज़ यहाँ पर नहीं बैठता है। आपने 3-4 लोगों का वीडियो देखा, वेबसाइट पे गए, पढ़ा आपने, ठीक है, तो हर एक चीज़ आपके यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो ज़रूरी क्या हो जाता है, जो भी बोल्ड पॉइंट होता है उस टॉपिक का, बोल्ड पॉइंट बोले तो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको आपको स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इससे होगा क्या, जो भी जानकारी आपने लिया है वो जानकारी आपके बुक में, आपके नोटबुक में नोट डाउन रहेगा, आपको भूलने का चांस नहीं रहेगा। आप उसको 2-3-4 बार पढ़ लोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं भी होता तो आप वीडियो के दौरान आप उसका यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है।
ठीक है, बड़े बड़े क्रिएटर्स करते हैं, अगर लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो उनको हर एक चीज़ स्क्रिप्ट याद नहीं रहता, आप स्क्रिप्ट बीच में देख भी सकते हैं, उसमें कोई गलती है। मैंने ऑलरेडी ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं आप। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है स्क्रिप्ट बनाना कि आप जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो, आपने उस रिलेटेड रिसर्च किया है, तो अगर आप प्रॉपर स्क्रिप्ट बनाते हो कि पहले मुझे ये बताना है, उसके बाद मुझे ये बताना है, उसके बाद मुझे ये बताना है, तो जो वीडियो आपका वॉच करेगा, जो वृंदा, जो नया क्रिएटर है, जो पर्सन है जो आपकी वीडियो देख रहा है, उसको भी लगेगा कि हाँ ये बंदा जेन्युइन तरीके से वीडियो बना रहा है, सही जानकारी हमें दे रहा है, ठीक है। क्योंकि वो बंदा सीधा ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वीडियो देखेगा, वो हो सकता है आपके बाद 10 लोगों की वीडियो देखे, तो उस 10 लोगों की वीडियो में से अगर उसको आपका वीडियो अच्छा लगा तो वो आपको सब्सक्राइब करेगा, आपके दूसरे वीडियोस को भी देखेगा, ठीक है। तो सिर्फ वीडियो बना के डाल देना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, सही टॉपिक का चुनाव, उसके बाद उसके बारे में सही से रिसर्च कर लेना, उसके बाद उसको प्रॉपरली स्क्रिप्ट कर लेना, सही तरीके से उसको लिख लेना, ठीक है ना, उसको सही से आप लिख लो, सही से एक पूरा मतलब पॉइंट टू पॉइंट जितना आप बोलना चाहते हो, जो जरूरी है, जो जेन्युइन है, जितना आपको बोलना उतना आप लिख लो उसको, उसके बाद उसमें से देख के बोलो, चाहे आप उसको याद कर लो तब बोलो, ठीक है। तो स्क्रिप्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं, जो बड़े बड़े आप मूवीज़ देखते हो उसमें भी स्क्रिप्ट दिया जाता है, तो जो एक्टर होता है वो लोग क्या करते हैं, वो स्क्रिप्ट देख के बोलते हैं, उनको अपने आप तो याद नहीं होता ना कि हाँ भाई उस बंदे ने बताया, उसने सुन लिया, और सब नहीं कर पाते, ठीक है। जो नए फील्ड में नए होते हैं, चाहे थोड़े पुराने भी होते हैं, उनको स्क्रिप्ट की जरूरत, वैसे स्क्रिप्ट सभी को होती है, बट उन लोगों को खासा स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, वो स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको भी सक्सेस होना है, आपको भी अपने यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करना है, तो आपको स्क्रिप्ट लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको स्क्रिप्ट लिखना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी टॉक हो, चाहे आप 10 मिनट का वीडियो बना रहे हो, चाहे आप 1 घंटे का वीडियो बना रहे हो, चाहे आप 5 मिनट का वीडियो बना रहे हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको स्क्रिप्ट भी लिखना है, और स्क्रिप्ट स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, और उसमें सब जेन्युइन चीज़ होना चाहिए, फेक कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 जो आपको मैंने स्टेप बताया, पहला सही सब्जेक्ट का चुनाव यानी सही टॉपिक का चुनाव, दूसरा उसके बारे में रिसर्च कर लेना कि वो जो मैं बना रहा हूँ वीडियो वो सही है या गलत है, ठीक है, वो कर लेना। दूसरा जो ऊपर के 2 टॉपिक थे, फिर उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपने रिसर्च किया है उसको आपको सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिख कर एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेना है, जिससे कि आपको वीडियो बनाने में आसानी हो, आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप सही तरीके से वीडियो बना पाए, और आगे वीडियो बनाने के बाद आपको ऐसा पछतावा ना हो कि यार मैंने तो इसमें गलत जानकारी दे दी, अभी इसमें तो 10-12 हज़ार व्यूज़ आ गए, अभी मैं इसको डिलीट कैसे करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ का होता है, और पता चला उधर सामने से 2-4 गालियाँ पड़ रही है, तो आप इसको ना आप इधर करोगे ना उधर करोगे, डिलीट करोगे तो आपके व्यूज़ का नुकसान हो जाएगा, अभी नहीं डिलीट करोगे तो लोगों को गलत मैसेज आएगा, हो सकता है आपको अनसब्सक्राइब कर दे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, रिसर्च करके उसको सही से स्क्रिप्ट कर लेना है, ना आपको भूलने का चांस रहेगा कि आप कुछ ऐसा अभी आप कुछ गलत भी नहीं बता पाओगे, तो आपको इस चीज़ का क्लियर रहना है कि आपको स्क्रिप्ट भी लिखना है। चौथी बात आपने सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया, दूसरा आपने उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लिया कि भाई मैंने 3-4 यूट्यूबर्स का वीडियो देख लिया है, 2-4 वेबसाइट में विजिट कर लिया, और मैंने उसकी अच्छी जानकारी ले लिया, मेरे को तो अभी नॉलेज हो गया है, मैंने अभी उसके ऊपर स्क्रिप्ट भी लिख डाला है, ठीक है, अभी चलो वीडियो बनाना चालू कर दिया। वीडियो बनाना आपने चालू कर दिया, बट आपको उसमें वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी, इन 2 चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना। अब आप वीडियो बना रहे हो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो अगला बंदा को लगेगा कि यार ये इसको तो वीडियो बनाना नहीं आता, या वॉइस क्वालिटी नहीं है तो अगला बंदे को सुनाई क्या देगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपके वीडियो का, आपके जो वीडियो बना रहे हैं उसका जो क्वालिटी है वॉइस का, चाहे रिकॉर्डिंग का, वो सही होना चाहिए, वॉइस क्वालिटी क्लियर होनी चाहिए, लोगों को सुनने में आना चाहिए कि हाँ आपकी आवाज़ क्लियर, कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है वो प्रॉपर बोल रहा है, ठीक है, सुनाई देना चाहिए उसको, कि समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो वॉइस क्वालिटी किस तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, वॉइस क्वालिटी कैसे सुधार कर सकते हैं, कैसे सुधार है। देखिए, अगर आप टेक्स्ट रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो
जो आपका जो लोकेशन होगा वीडियो बनाने का, वो हो सकता है कि बंद कमरा हो, ठीक है, आपका एक प्रॉपर सेटअप है, आप उस जगह बना रहे हो तो बाहर से कुछ एक्स्ट्रा नॉइज नहीं आ रहा है, कुछ आवाज़ें नहीं आ रही है, तो उस केस में अगर आपके पास माइक नहीं है, ये माइक नहीं है, तो एक बार को चल जाएगा कि हाँ यार ठीक है, अभी मेरे पास माइक नहीं है, अभी मेरी अर्निंग नहीं हुई है, तो मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, कैमरा भी नॉर्मल भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लाइटिंग थोड़ा सा रहेगा, चल जाएगा, ठीक है, तो उस केस में प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि बाहर से कोई एक्स्ट्रा नॉइज नहीं आएगा। बट अगर आप एक ब्लॉगर है, आउटसाइड वीडियो बना रहे हैं, और उस केस में अगर आपके पास माइक नहीं है, तो आपके वीडियो में आपकी आवाज से ज्यादा बाहर की आवाज सुनाई देगी, तो आपका वीडियो कोई वॉच नहीं करेगा, शोर इतना रहेगा कि वो इरिटेट हो जाएगा, वो कहेगा यार क्या आप बोल रहा है, भले आपने बहुत मेहनत किया हो, आपने अच्छा टॉपिक चुना, आपने उसके लिए खूब रिसर्च किया, आपने उसके ऊपर स्क्रिप्ट लिखा, आप प्रॉपर बोल भी रहे, बट आपकी आवाज से ज्यादा इधर की आवाज, उधर की आवाज, किसी के ठोकने की आवाज, या किसी भी गाड़ी के हॉर्न की आवाज, इस तरीके की आवाज आएगी। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है, जो आप वीडियो बना रहे हो, आप किधर बना रहे हो, अगर आप ब्लॉगर हो, आप ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, तो आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप ऐसा माइक उठा के ले आए कि उसमें मतलब आपकी आवाज़ तो आ रही, ठीक है, मगर वो बाहर के जो आवाज़ है उसको भी कैच कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको एक अच्छा सा माइक ले लेना है, बोया का माइक काफ़ी बढ़िया रहता है, आप तो उसका माइक आप अपने अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग 700, 800, 1000, 1500, 2000 तक का मिल जाता है, आप जैसा आपको बजट में है आप उस तरीके की माइक ले सकते हैं, ठीक है ना, ले सकते हैं। अब आपने वीडियो बना लिया, आपने घर के अंदर वीडियो बनाया, आपके पास माइक भी है, आपने अच्छे से वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद आप अपनी वीडियो की आवाज़ को सुनो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने वीडियो बनाया है उसमें कुछ ऐसी जो आवाज़ आ रही है, जो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो आप उस वीडियो को तो डिलीट करोगे नहीं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से आप एडिशनल वॉइस को कम कर सकते हो, मतलब आप अपनी आवाज़, आपकी आवाज़ क्लियर रहेगी, जो फालतू आवाज़ बाहर से आ रही है वो बहुत हटने के बराबर ही हो जाएगी, मतलब एकदम से कम हो जाएगी, आप बाहर की फालतू आवाज़ ज़्यादा क्लियर नहीं, तो आप उन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे फ्री वर्जन भी होते हैं, पेड वर्जन भी होता है, तो इससे रिलेटेड अभी आपको YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएगी, आप उन वीडियोस को देख के ऐसा सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डाउनलोड करके उसका यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास ये सुविधा है नहीं, अदरवाइज़ तो आप जो आपने जो वीडियो बनाया है उसमें अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है कि जो आप वॉइस क्वालिटी जो आपकी होगी वो दमदार होनी चाहिए, लोगों को क्लियर आवाज़ आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बोल रहे हैं उधर से बर्तन ठुकने की आवाज़ आ रही है, उधर से कुछ किसी और चीज़ की आवाज़ आ रही है, उधर से कोई चिल्ला रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने एक मतलब उस टॉपिक के ऊपर काफ़ी रिसर्च की, आपने स्क्रिप्ट लिखा, आपने इतना मेहनत करने के बाद 2-4-5 रीटेक लेने के बाद आपने वीडियो बनाया, आप वीडियो बनाने के बाद अगर उसमें वॉइस का प्रॉब्लम आ गया तो फिर आपके पूरे मेहनत पर पानी फिर जाएगा, दोबारा वीडियो बनाने के लिए आपको उतना ही समय दोबारा से देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो भी काम करो, स्टेप बाय स्टेप जो भी आप प्रोसेस ले रहे हो, आप उसमें क्लियर रहो कि मेरा लोकेशन के आसपास ऐसा कुछ नॉइज़ नहीं होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आपके जो चेहरे की जो क्लियरिटी है वो लोगों को साफ दिखनी चाहिए, अंधेरे जैसा नहीं दिखना चाहिए। आपके पास अगर लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है तो आप नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करो। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे वीडियो के सामने विंडो है जहाँ से नेचुरल लाइट आ रही है, और उस नेचुरल लाइट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लाइटिंग है मेरे पास बट नेचुरल लाइट में भी वीडियो काफ़ी अच्छी बनती है, ठीक है। तो आप उस तरीके का यूज़ कर सकते हो, आप एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए एक अच्छी लाइटिंग का भी यूज़ कर सकते हो, और वॉइस क्वालिटी भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आपके वीडियोज़ लोगों को क्लियर सुनाई दे, आपकी जो मतलब जो वीडियो की क्लैरिटी है वो भी अच्छी हो, वॉइस क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, मगर जो 4 पॉइंट मैंने बताए, आपको पहला टॉपिक सही सब्जेक्ट का चुनाव, दूसरा उसके बारे में सही से रिसर्च कर लेना, दूसरा तीसरा उसकी स्क्रिप्ट एक तैयार कर लेना जिससे कि आपको कोई गलती ना हो, चौथा वीडियो बनाते समय आपको अपने वॉइस क्वालिटी का और जो पिक्चर्स की क्वालिटी है उस पर आपको खासा ध्यान रखना है, ठीक है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि
ये चीज़ अगर आप बार बार सुनोगे तो आपके यहाँ पे ये चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं बार बार टॉपिक्स बताता हूँ, क्या टॉपिक्स होना चाहिए, इस पर आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको उस पर स्क्रिप्ट लिखना चाहिए, फिर आपको वॉइस क्वालिटी के लिए भी कुछ करना चाहिए, वॉइस क्वालिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन चार पॉइंट को आप, इस चार पॉइंट का आपको खासा ध्यान रखना है कि ये चार पॉइंट आपको प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, ओवर एडिटिंग ना करें। अभी आपने मतलब बहुत मेहनत की, आपने चार पॉइंट जो ऊपर मैंने आपको बताया आपने उसका ध्यान रखना, आपने वीडियो क्रिएट कर दिया, वॉइस क्वालिटी भी लाजवाब है आपकी, फोटो वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है आपकी। अब आपने उस पर एडिटिंग चालू किया, ठीक है, आपने एडिटिंग चालू किया तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि ओवर एडिटिंग नहीं कर देना है, भर भर के बैकग्राउंड साउंड, तो ये इफेक्ट, तो वो इफेक्ट, इस चीज़ का आपको यूज़ नहीं करना है। कभी भी आप बड़े क्रिएटर्स को आप देखोगे ना, उनके वीडियो में देखोगे तो जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट होता है, सॉफ्ट होता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता। और कुछ नए क्रिएटर्स की अगर आप वीडियो देखोगे ना, तो उनको जो साउंड पसंद आएगा ना वही साउंड डाल देंगे, भले वो साउंड सामने वाले को पसंद आए नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो टॉपिक पर आप वीडियो बना रहे हो उससे रिलेटेड साउंड मैच करना चाहिए। अगर आप टैक्स रिलेटेड बना रहे हो तो बैकग्राउंड म्यूजिक डालना चाहते हो, डालते भी है लोग और वो अच्छा भी होता है, तो आपको अपने वीडियो, आपका वॉइस और जो बैकग्राउंड वॉइस उसका जो रेशियो है वो आपको डिसाइड करना होगा। बहुत से क्या करते हैं, 80-20 भी रखते हैं, 90-10 भी रखते हैं, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना बैकग्राउंड नॉइज क्रिएट, बैकग्राउंड में जो अब नॉइज रहेगा वो कितना रहना चाहिए, वो सॉन्ग जो बैकग्राउंड सॉन्ग रहेगा उसका नॉइज कितना रहना चाहिए। उसके अलावा पिक्चर में जो एडिटिंग करते हैं कि भाई मेरे को सब्सक्राइब करो, मेरे को लाइक करो, इसको शेयर करो, उसको वो भी भर भर के मत डालो, ठीक है। वीडियो की स्टार्टिंग में आप छोटा सा, ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा आपका इंट्रो होना चाहिए, जरूरी नहीं कि इंट्रो आपके बिलो साइड भी रहेगा, थोड़ा छोटा सा गया भाई मेरा चैनल का नाम ये है, नॉर्मल छोटा सा इंट्रो आपका होना चाहिए, ठीक है। दो तीन, अगर आपका वीडियो 10 मिनट का है तो आप कोशिश करो जो सब्सक्राइब के लिए आप बोल रहे हो, ठीक है, वो 2 से 3 मिनट के बाद बोलो, 3 मिनट के बाद बोलो कि नीचे डाल दो कि यार सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर डाल दो, चाहे बीच में आप बोल दो, अगर आपको लगता है तो आप बीच में बोल दो। उसके 3-4 मिनट बाद ही कुछ ऐसा एडिटिंग करना है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस एंड दिस, और आउट्रो में दिखाओ। आउट्रो नहीं भी डालोगे तो चले, आजकल कोई नहीं डालता है, अगर आपको डालना है, अगर आपका आउट्रो भी छोटा है, ज़्यादा लंबा मत रखना, छोटा रखना, ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, और जितना भी लंबा वीडियो कर रहे हो वो टॉपिक टू टॉपिक रखो, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखो, ठीक है। तो आउटरो डालते हो तो वो भी आपका ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो ऑल ओवर मैं आपको कहूँ तो ओवर एडिटिंग नहीं करना है, भर भर का कुछ भी नहीं डालना है कि यार म्यूज़िक डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, वो डाल दिया, आपको अच्छा लग रहा है बट जो आपका वीडियो देख रहा है उसको भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। अब आपकी वो आवाज़ सुन रहा है, पीछे से बैकग्राउंड साउंड बजा जा रहा है, तो उसको कान में दर्द होने लगेगा, आप खुद सुनोगे अपनी आवाज़ को तो आपके भी कान में दर्द होने लगेगा, ठीक है। मैंने भी ये गलती की है, स्टार्टिंग में जो मेरी वीडियोस थी अगर आप देखोगे तो उसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक मैं डालता था थोड़ा उसको लाउड कर देता था, लगता था काफ़ी अच्छा लगेगा, मगर ऐसा होता नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आता है। कुछ ही लोग होंगे जिनको पसंद आएगा, जो वैसे ही आपकी वीडियो जो सही में आपकी वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा साउंड नहीं रखना है। तो लोग, पता चला 10 मिनट की वीडियो, 10 सेकेंड वीडियो देखा, बहुत साउंड है, बंद कर दिया, स्किप कर दिया, छोड़ दिया, नहीं देखा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओवर एडिटिंग नहीं करना है, जितना ज़रूरी है उतना देखना। अब भाई आपको, आप सोच रहे हो कि यार कैसे एडिटिंग करूँ, तो जो आपने बड़े क्रिएटर्स को फॉलो किया है आप उनकी वीडियो को देखो, चाहे आप मेरी वीडियो को भी आप देख सकते हो कि मैंने कितना एडिटिंग किया है। मैं बहुत सिंपल तरीके से एडिटिंग करता हूँ, ज़्यादा उसमें कुछ तामझाम नहीं रखता हूँ, नॉर्मल एडिटिंग रखता हूँ, क्योंकि जो वीडियो, जो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है अगर उसको मेरी वीडियो पसंद है, मैंने उसमें कुछ एडिटिंग नहीं किया है तो वो मेरी वीडियो को पूरा वॉच करेगा। अगर मैंने भर भर के एडिटिंग किया उसको मेरी वीडियो को, वीडियो मेरे नहीं पसंद है तो वो मेरी वीडियो नहीं देखेगा, चाहे आप जितना कर लो। तो आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, आपका टॉपिक अच्छा होना चाहिए, जो आप बता रहे हो स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, उसको वो चीज़ क्लियर समझ में आना चाहिए, तो आपकी वीडियो देखेगा। तो ओवर एडिटिंग ना करें, ठीक है। तो मैंने जो आपको कुछ जो टॉपिक बताया, सबसे पहले सही सब्जेक्ट का चुनाव, यानी जो आपका टॉपिक रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वो सही होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आपको। दूसरा, उसके बारे में सही से आपने रिसर्च किया हो, ठीक है, रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्रिएटर्स करते हैं, तो आपको भी इसका ध्यान रखना है। तीसरी जो बात है वो है
स्क्रिप्ट तैयार रखना, ठीक है, स्क्रिप्ट तैयार करना, इस चीज का आपको ध्यान रखना। आप नोट डाउन कर लो, आपको भी स्क्रिप्ट तैयार करना है। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ उस पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर करने का, ठीक है, जरूर करना, क्योंकि आप भूल जाओगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन कर लो और उसको आप फॉलो करो। मैंने फॉलो किया इस चीज को, तो मैं ग्रोथ कर रहा हूँ अभी। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत बड़ा यूट्यूब क्रिएटर, नहीं, मैं ग्रोथ कर रहा हूँ। मैं आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें व्यूज दिखेंगे आपको, ठीक है। तो आपको स्क्रिप्ट प्रॉपर लिखना है, उसके बाद आपको आपको अपने ऑडियो क्वालिटी पे यानी वॉइस क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। वीडियो वॉइस क्वालिटी अच्छी रहेगी तो आपका पूरा वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बार को पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अगर लाइट भी रहेगी तो चलेगी, बट वॉइस क्वालिटी सुनना चाहिए, सुनने में आना चाहिए उसको, ठीक है। मैसेज जो आप देना चाह रहे हो, जो आप उसको सिखाना चाह रहे हो, उसको सुनने में आना चाहिए। ओवर एडिटिंग नहीं करना है, वो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ओवर एडिटिंग नहीं करना है आपको, वो चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, YouTube वीडियो SEO। अब बहुत से बंदे को SEO तो सुनते हैं कि यार SEO अच्छा होना चाहिए, मगर ये SEO होता क्या है ये तो बताओ पहले। SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आपने बहुत मेहनत करके अपना एक वीडियो तैयार कर दिया, आपने अच्छी सी एडिटिंग कर दी, अच्छी सी वीडियो क्वालिटी के साथ आपने वीडियो तैयार कर दिया, आप अपने वीडियो डालने वाले हैं, तो वीडियो डालने के बाद लोग आपके वीडियो को अगर देखेंगे ही नहीं तो आपके वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या, पूरी मेहनत पानी में गई, ठीक है। तो आप पैसा कैसे कमाओगे, तो SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपका वीडियो सर्च में आने के लिए आपको क्या करना है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वो चार पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपने वीडियो को सर्च इंजन में ला सकते हैं, आपके वीडियो लोगों के सजेशन में आएगा, आपका वीडियो भी वायरल होगा, आपका वीडियो लोगों को दिखेगा और आपकी वीडियो पे लोग व्यूज भी देंगे, क्योंकि आपके वीडियो को लोग वॉच करेंगे। तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, तो चलिए चार पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला होता है, अपलोड करने से पहले आपने जितनी मेहनत की अपने वीडियो को बनाने के लिए, उतनी ही मेहनत करना है आपको अपने वीडियो के थंबनेल को बनाने के लिए। थंबनेल के बारे में आप जानते होंगे, अगर आप थंबनेल के बारे में नहीं जानते हैं तो आप इसके ऊपर रिसर्च करो, थंबनेल जरूरी है। आप 99.99% लोग जानते हैं थंबनेल के बारे में, आप भी जानते हैं, थंबनेल अच्छा होना चाहिए। अभी आप बोलोगे यार हम लोग तो थंबनेल बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे लोग उसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो क्या करते हैं, वीडियो बना देते हैं और तकाक से थंबनेल 10 मिनट में तैयार और अपलोड। जब आप वीडियो बनाते हो, वीडियो का जो टाइटल आप देते हो, ठीक है, टाइटल जो आप देते हो, जो आपका जो थंबनेल है वो टाइटल को मैच करना चाहिए। मतलब थंबनेल और टाइटल को जो बंदा पढ़े और थंबनेल को जो बंदा देखे, उन दोनों को मैच करने के बाद एक स्टोरी क्रिएट होनी चाहिए, उसके माइंड में वो मैसेज जाना चाहिए कि हाँ ये जो थंबनेल है, ये जो टाइटल है, उससे इस तरीके का वीडियो हो सकता है। हम मूवी देखते हैं, 3 घंटे की मूवी देखते हैं, बट हम उस मूवी को क्यों देखते हैं, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना मूवीज तो आपको ऐसे ऐसे मूवीज दिख जाएंगे, उसका जो आपको थंबनेल मतलब जो पोस्टर दिखेगा ऐसा दिखेगा गजब, जब आप क्लिक करोगे तो अंदर पता चलता है साला कुछ हो रही है, ठीक है, तो वो फेक होता है, आपको ऐसा नहीं करना है। उससे बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि वो जो थंबनेल जिसको देख के हम क्लिक करते हैं, उस तरीके का आपको थंबनेल रखना है कि अगला बंदा आपके टाइटल को भी ना पढ़े, सीधा देखे कि हाँ यार इस बंदे के थंबनेल में दम है तो वीडियो में भी दम होना चाहिए, या होगा। आपके वीडियो में दम है, आपके में बहुत दम है, अगर आपके थंबनेल में दम नहीं रहेगा तो लोग उस पर क्लिक क्यों करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपको अपने थंबनेल पे काम करना है, आपको अपना थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाना है। अभी आपको थंबनेल कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, अगर आप चाहो तो आप वो वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, और अगर आई बटन में नहीं मिलता तो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि थंबनेल बनाने के लिए आप बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो
थंबनेल पे आपको उस चीज़ का फोकस करना है, प्रॉपर थंबनेल होनी चाहिए। अभी आप सोचोगे कि मैं थंबनेल बनाता तो हूँ अभी और कितना अच्छा बनाऊँ, तो आप अपने जो बड़े बड़े क्रिएटर्स को जो आप फॉलो कर रहे हैं आप उनके थंबनेल्स को देखो। जब आप किसी की वीडियो को क्लिक करते हो तो आप क्या देख के क्लिक करते हो, आप उनका थंबनेल देख के क्लिक करते हो, तो वो कैसे थंबनेल बनाते हैं, तो उस चीज़ को भी आप सोचो, इमेजिन करो कि यार मैंने जो थंबनेल जो वीडियो पर मैंने क्लिक किया और जिस थंबनेल में जो देख के मैंने क्लिक किया है वो क्या इस वीडियो में था। अगर उस वीडियो में नहीं था तो वो क्लिक पैड है, वो आपको फेक तरीके से आपको विजिट करवा रहा है, बट जो उसने उसके अंदर दिया है थंबनेल के अंदर और वो उस वीडियो के अंदर मिला तो वो एक सही तरीके से उस बंदे ने थंबनेल को बनाया, उसने वो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो जो सस्पेंस वाला पॉइंट होता है उसने उस पॉइंट को उस थंबनेल में दिखाया और उसी पॉइंट को उसने टाइटल में दिया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको अपने थंबनेल में वो पॉइंट दिखाना पड़ेगा जो पॉइंट थोड़ा सा मतलब सस्पेंस वाला हो, लोगों को वो पॉइंट को कैच करने में बना चाहिए कि यार इसमें कुछ तो है, कुछ तो बात है जो मैं इसकी वीडियो देखूं। तो आपको अपने थंबनेल पे काम करना पड़ेगा, अच्छा थंबनेल बनाना पड़ेगा। आप दो लोगों की वीडियो देखो, चार लोगों की वीडियो देखो, पांच लोगों की वीडियो देखो, किस तरीके से वो लोग थंबनेल बनाते हैं, किस तरीके से वो उसमें अटैक, और ज़्यादा थंबनेल में भी ज़्यादा मतलब मगज वो मत कर देना, मतलब ज़्यादा ये लिख दिया वो लिख दिया इतना नहीं, नॉर्मल सिंपल सा अट्रैक्टिव एक क्वेश्चन मार्क टाइप थंबनेल हो जिसको लोग देखने पे मजबूर हो जाए कि हाँ भाई इस बंदे ने जो वीडियो बनाया वो देखने लायक है, उसको मुझे देखना ही चाहिए, ऐसा लगे लोगों को जब वो आपकी वीडियो पे आए, आपका वीडियो उनको सजेशन में दिखाए या सर्च में दिखाए तो उसको लगना चाहिए, तभी वो बंदा आपके उस पर क्लिक करेगा। तो ये हुई थंबनेल की बात। उसी तरीके से आपको अपना टाइटल पे भी ध्यान रखना है, टाइटल को ज़्यादा लेंदी, 100 वर्ड होता है, ऐसा नहीं कि 100 वर्ड के 100 छाप, ऐसा जरूरी नहीं है। पिक्चर हम देखते हैं 3 घंटे की, उसका इतना बड़ा टाइटल तो नहीं होता है, छोटा सा नाम होता है। तो आपको भी इसी तरीके से रखना, आपको जो टाइटल है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, छोटा सा टाइटल होना चाहिए, लोगों को पढ़ने में पढ़ना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली उस वीडियो में क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो टाइटल ज़्यादा लंबा मत करो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स देखोगे कि बहुत सारे वीडियोस अभी रखते हैं बड़े बड़े टाइटल, यार उनके पास ओनली 10 मिलियन फॉलोअर्स है, किसी के 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो वो वीडियो डालते हैं लोग सीधा वॉच कर लेते हैं, अरे क्या है, तो ये चैनल है, अरे यार ये बड़े क्रिएटर है, तो चलो देख लो। आप छोटे क्रिएटर हो तो आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपके पास बहुत सारे सब्सक्राइब फॉलोअर्स हो जाएंगे तो आप जो भी डालोगे वो लोग देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे बंदे ने जो भी डाला अच्छा डाला है। तो आपको सही थंबनेल बनाना, आपको उसको उतना ही समय देना है जितना समय उसको चाहिए, 5 मिनट में नहीं बनता है, 10 मिनट में नहीं बनता है, उस पर आपको काम करना, उसको सही समय आपको देना पड़ेगा। उसी तरीके से टाइटल भी अच्छा और अट्रैक्टिव होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, थंबनेल भी आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया थंबनेल, थंबनेल आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया टाइटल, ठीक है, टाइटल आपका भी वैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों को समझ में आए, वो चीज़ आपका उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ठीक है। अभी छोटा तो होना चाहिए टाइटल, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, बट थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, समझ में, थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए कि मान लो आपने कॉमन बना दिया तो लोग सर्च करेंगे, तो आप नए क्रिएटर्स हो, नए क्रिएटर्स हो, आपका सर्च इंजन में पता चला बिल्कुल ब्लो चला गया, थोड़ा सा आप यूनिक रखो, छोटा रखो और थोड़ा सा यूनिक रखो कि लोग देखे अरे यार ये बंदे ने क्या डाला है, तो क्या है टाइटल में, देख के लगे कि यार कुछ तो अलग है, ठीक है, तो क्लिक कर सके। थंबनेल, दूसरा टाइटल, आपको इन दोनों चीज़ का ध्यान रखना है, लोग इसी को देखते हैं, लोग इसी को देख के आपके वीडियो पे जाते हैं, आप कितना भी मेहनत करके वीडियो बनाओ ये दो पॉइंट को देखेंगे, SEO बढ़ाने के लिए नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बढ़ाने के लिए, आपको अपना सर्च बढ़ाने के लिए आपको इन दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। आपको जितना मेहनत वीडियो बनाने में किया है उतना मेहनत आपको अपना थंबनेल बनाने में करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो थंबनेल आपको अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है, क्लियर होना चाहिए लोगों को। दूसरा, हाँ, क्लिक पैड ना दे ज़्यादा कि ठीक है ना कि भाई चलो मैं ऐसा कुछ डाल देता हूँ, अंदर वो है नहीं और इसमें मैंने डाल दिया, तो आपका वीडियो लोग वॉच तो कर लेंगे, बट ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपके वीडियो सिर्फ वॉच नहीं कराना है, उनको आपके वीडियो को, आपके चैनल को सब्सक्राइब कराना है। आपका मोटो व्यूज़ के साथ साथ सब्सक्रिप्शन भी है होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है डिस्क्रिप्शन, आपने
वीडियो अपलोड करने से पहले आपको अपने वीडियो से रिलेटेड जो मेन पॉइंट है उसको डिस्क्राइब करना है। आपको ज़्यादा बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं देना है, आपको डिस्क्रिप्शन में वो बोल्ड पॉइंट रखना है जो आपने वीडियो के अंदर बताया है। आप वो बोल्ड पॉइंट सिर्फ डिस्क्रिप्शन में दो, ज़्यादा रामायण महाभारत उसमें नहीं देना है आपको। आपको सिर्फ बोल्ड पॉइंट देना है कि ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये चार पांच पॉइंट अच्छे अच्छे पॉइंट दे दो, इसको लोग पढ़े तो आपकी वीडियो को वॉच करें, क्योंकि आप ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है तो आपको लंबा छोड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिस्क्रिप्शन का यूज़ आप कहाँ कर सकते हो, आपके जो उससे रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं, आपने जो वीडियोज़ बताया उससे रिलेटेड और भी वीडियोज़ जो आपने बनाए हैं कि हाँ भाई मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक दिया, आप उसको जाके देख सकते हो, तो आप वो वीडियोज़ के लिंक्स उसके अंदर दे दो, ठीक है, उस वीडियो के लिंक्स आप दे दो उसके अंदर, जिससे कि उसको इजीली पता चले कि हाँ यार ये वीडियो से रिलेटेड ये वीडियो है तो मैं इस वीडियो को वॉच कर सकूँ। वो आपके डिस्क्रिप्शन में जाएगा, उस पर क्लिक करेगा और आपका दूसरा वीडियो वॉच करेगा। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो स्पेस रहता है आपको उसका यूज़ वैसे ही करना है, ठीक है, आपको उस तरीके से उसका यूज़ करना है, यानी कि लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं करना है। आपको उस डिस्क्रिप्शन का यूज़ इस तरीके से करना है कि आपके लोग दूसरे वीडियो को भी वॉच करें, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है जिसका आपको खासा ध्यान रखना। पहला क्या है, थंबनेल, दूसरा क्या है टाइटल जो कि छोटा और यूनिक होना चाहिए, तीसरा क्या है डिस्क्रिप्शन जो कि क्लियर होना चाहिए, उसमें और भी जो नॉलेजेबल चीज़ है जो आपके वीडियो से रिलेटेड वीडियोज़ है उसके बारे में आप दे दो, तो लोगों को आपका दूसरा वीडियो सर्च करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। उसके अलावा आप अपने आपको बोल सकते हो कि भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे वीडियोज़ को देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, तो उससे उसका भी आप इंस्टाग्राम का लिंक वगैरह चाहे फेसबुक का लिंक वगैरह भी आप दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अपने आपको अगर सोशल मीडिया पर आप लाए हो तो उसको अच्छे से आप क्लियर रखो, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है टैग्स। अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो एक सही टैग का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब कोई बंदा वीडियो को सर्च करता है, सपोज दैट कोई बंदा एक्स वाई जेड यानी कुछ ऐसा वीडियो सर्च करना चाहता है जिसकी उसकी ज़रूरत, आपने उसका वीडियो बनाया, अगर उसने डाला कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं, तो वो क्या करेगा, यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं वो टाइप करेगा, वो उसमें डालेगा सर्च में। अगर आपने वो टैग का यूज़ किया है तो आपका भी वीडियो सर्च में दिखाएगा, अगर आपने टैग नहीं डाला है तो सर्च में आपका वीडियो कैसे आएगा। तो आपको टैग्स का यूज़ करना है, प्रॉपर टैगिंग करना है, कुछ अपने टॉपिक से अलग टैग्स मत डालो, ठीक है, ऐसा फेक टैग नहीं डालना। आपको जो जेन्युइन टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया है आप उन्हीं टैग्स का यूज़ करो। अभी आपको टैग्स कैसे मिलेंगे, तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो आपको सही टैग का चुनाव करने में आपकी मदद करते हैं, आपको वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा कौन सा टैग रैंक करना है उसके लिए भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं जो आपको बताता है कि कौन सा टैग रैंक कर रहा है, ठीक है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जो बात कहूँ मैं टैग्स की, तो आप जब यूट्यूब पे खुद से सर्च करोगे ना कि यूट्यूब से कैसे बताओ, तो सर्च के बाद नीचे 3, 4, 5, 6, 7 रहते हैं, तो उसके ऊपर जो नीचे सर्च में जो इनिशियल वो 5-6 जो टाइटल्स हैं आप उनको एज अ टैग यूज़ कर सकते हो। ज़्यादा लंबा टैग मत देना, छोटा टैग, छोटा ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा छोटा टैग रखना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन जैसा टैग मत डाल देना, छोटा छोटा टैग रखना। टैग का मतलब होता है छोटा कीवर्ड, छोटे छोटे कीवर्ड्स, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि SEO क्या होता है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, और अपने वीडियो को सर्च इंजन में लाने के लिए यानी लोग सर्च में लाने के लिए, लोगों के सजेशन में लाने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा। यानी पहला थंबनेल का ध्यान रखना होगा, दूसरा टाइटल्स का ध्यान रखना जो कि छोटा होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, तीसरा डिस्क्रिप्शन, और चौथा टैग्स। मतलब इन अगर चार पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका वीडियो को 99.99% यानी 100% आपका वीडियो सर्च इंजन में आने का संभावना रहता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ये चार पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट की, जो कि है YouTube मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने एक नया चैनल क्रिएट किया, आपने उस पर बहुत काम किया, आपने बहुत मेहनत की, आपने वीडियो बनाया, अब आपने वीडियो बनाने के बाद उसको पब्लिश किया, एडिटिंग करके उसको पब्लिश किया, मतलब सब कुछ किया आपने, पूरा वीडियो आपको तैयार है, आपने वीडियो अपलोड भी कर दिया। अब लोग, आप तो नए हो, आपके पास तो ऑडियंस है नहीं, तो आपका वीडियो कौन देखेगा। उस केस में इम्पॉर्टेंट होता है YouTube का मार्केटिंग करना, मतलब आपको अपने चैनल का और अपने वीडियो का आपको मार्केटिंग करना होगा। अभी आप वो कैसे कर सकते हो, बहुत सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि
ये ऐसे करो वैसे करो, इस चीज़ का यूज़ करो। दोस्तों मैं आपको सिंपल सा बात बोलूँगा कि अभी इंटरनेट का दौर चल रहा है, मतलब सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लोग एक्टिव रहते हैं, ठीक है। तो आपको भी इन्हीं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, आपको भी इन्हीं के थ्रू ही अपने इनिशियल स्टेज पे अपने वीडियोस को, अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बोलूँगा कि आपने अपने वीडियो का लिंक लिया और जाके डाल दिया, ग्रुप्स में डाल दिया, किसी के कमेंट्स में डाल दिया, ऐसा नहीं करना। आपको कोई क्लिक भी करेगा देखेगा हट जाएगा, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि सपोज डैट आपने एक वीडियो बनाया, आपके वीडियो को लिंक जो होता है ना, आपको क्या करना है, अपने वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना है, थंबनेल का वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। और अपने वीडियो का जो लिंक होता है उसको कॉपी कर लेना है। अभी आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, अपने इंस्टाग्राम पे जो आपका स्टोरी है आपको उस स्टोरी में अपना स्क्रीनशॉट और जो वीडियो का लिंक है वो डाल देना है, ठीक है। तो जब बंदा देखेगा कि यार इस बंदे ने तो अपने स्टोरी में ये डाला है, स्टोरी मोस्टली लोग देखते ही हैं, तो उस केस में क्या करेगा, वो उस लिंक पे क्लिक करके जरूर आपकी वीडियो को, जिसको क्लिक करना होगा वो वीडियो पे क्लिक करके वीडियो देखेगा, और जिसको नहीं देखना होगा वो नहीं देखेगा। तो इस तरीके से आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, इसी तरीके से आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, उसी तरीके से आप फेसबुक पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने वीडियो को प्रमोट करना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, इसके अलावा जैसे आपने वीडियो अपलोड किया, आपके पास अगर कोई दूसरा मोबाइल है, आपके घर में 4-5 मोबाइल है एंड्रॉयड, तो आपको क्या करना है, आपको उन मोबाइल से अपने उन मोबाइल में यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करना है, फिर उसमें जाके अपने वीडियो को सर्च करना है, ठीक है। उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पूरा वॉच करना है, जब आप वीडियो अपलोड करते हो उसके 5-10 मिनट बाद करना है, ठीक है, डायरेक्ट तुरंत मत करना, वीडियो को पूरा वॉच करना है, ठीक है। उसको आप लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप अपने घर के 4-5 फोन हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपके वीडियो पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा क्या होगा कि यूट्यूब के एल्गोरिथम में आएगा कि हाँ यार इसके वीडियोज़ पे 5-6-7 व्यूज़ आए हैं। तो इस तरीके का अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके वीडियो पे इनिशियल स्टेज पे व्यूज़ भी आएंगे, अगर लोगों को आपके वीडियोस पसंद आते हैं तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, आपके दूसरे वीडियो को भी देखेंगे। अगर उस केस में अगर आपके जो व्यूअर्स हैं आपको कमेंट करते हैं, अगर आपसे कुछ पूछते हैं, तो आपको एक्टिव रहना है, उनके कमेंट्स का तुरंत रिप्लाई करना है, उनको जवाब देना है, उनका जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करना है। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ को बढ़ाने के लिए। आपको पूरा फोकस रखना पड़ेगा कि आपके जो सब्सक्राइबर जिन्होंने आपको सब्सक्राइब किया है वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो आप उनका जवाब प्रॉपरली दो, ठीक है। उनको ये चीज़ क्लियर, आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए, इस तरह से किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि उन्होंने कमेंट किया आपने उसका रिप्लाई किया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको अपने चैनल का मार्केटिंग करना होगा, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जहाँ से आप अपने चैनल का मार्केटिंग, अपने दोस्तों को आप लिंक भेजो, उनको बोलो कि भाई तू मेरे वीडियो को पूरा देख, जबरदस्ती है, दोस्त होते इसलिए हैं, उनको आप जबरदस्ती अपना पूरा वीडियो दिखाइए, व्यूज़ आएंगे और यूट्यूब के सर्च इंजन में भी आपका वीडियोस आएगा। भले इसके लिए आपको कुछ पैसा उस पर खर्च करना, कि देख भाई तू मेरी वीडियो को देखा कर, मैं तेरे को चल बर्गर खिला दूंगा, मैं तेरे को मोमोज खिला दूंगा, मैं तेरे को ये खिला दूंगा। दोस्त करेंगे, दोस्त कमीने होते हैं, वो जानेंगे कि यार तुम्हारा यूट्यूब आप बड़े अच्छा बनाते हो, वो नहीं देखेंगे, बट उनको जबरदस्ती दिखाओ, उनको जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाओ, 10-12-15 दोस्त जो आपके होंगे उनसे जबरदस्ती अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, उनको जबरदस्ती उस निश्चित स्तर पर वीडियो दिखवाओ, बोलो कि भाई देखो जबरदस्ती, और अपने घर के फोन्स का यूज़ करो, उस तरीके से भी अपने वीडियो को वॉच कर सकते हैं, करते हैं। स्टार्टिंग में हर एक बंदा इस तरीके को फॉलो करता है, ठीक है, आपको भी करना है। इसके अलावा स्टोरीज में आपने फेसबुक के, व्हाट्सएप के, इंस्टाग्राम के स्टोरीज में आपने शेयर कर दी, ठीक। तो इन तरीके से आपको मार्केटिंग करना है, और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ उस तरीके का मैं यूज़ कर सकता हूँ, तो आप उस तरीके से भी उसको मार्केटिंग करके अपने वीडियो को लोगों के सामने ला सकते हैं। लोगों को पता चलना चाहिए कि हाँ भाई मार्केट में एक नया क्रिएटर आया है जो अच्छी अच्छी वीडियो बना रहा है, अच्छे अच्छे कंटेंट्स बना के लोगों को शेयर कर रहा है, लोगों को जानकारियाँ दे रहा है, लोगों को नॉलेज दे रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अच्छे से उसको मार्केटिंग करो, बढ़िया तरीके से मार्केटिंग करो, और वीडियो रेगुलर होनी चाहिए। तो आपको इन 7 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। पहला क्या है, अच्छे टॉपिक का चुनाव,
जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है एक नए क्रिएटर्स के लिए। अगर टॉपिक अच्छा नहीं है तो वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आगे वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो एक अच्छे टॉपिक का चुनाव बहुत ज़रूरी होता है और उसी के आसपास आपको वीडियो बनाना है, उससे अलग आपको नहीं जाना। ठीक है, तो एक अच्छे टॉपिक का चुनाव आपको करना है। दूसरा, रिसर्च। आपने जो टॉपिक चुना है वीडियो बनाने के लिए, तो वीडियो बनाने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। जिन यूट्यूबर्स को आप फॉलो करते हैं उनके वीडियोस को देखिए, 4-5 यूट्यूबर्स को अच्छे से फॉलो कर लीजिए, उनको वीडियोस को देखिए, वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, विकिपीडिया पे जाके चेक कीजिए, आपको जहाँ चेक करना है वहाँ चेक कीजिए, जानकारी अच्छे से ले लीजिए, तब आप उस पर वीडियो बनाइए। और जो आपने सर्च किया है, तीसरा पॉइंट ध्यान रखिए, जो आपने सर्च किया है उसकी एक स्क्रिप्ट तैयार कीजिए। बड़े बड़े यूट्यूबर्स करते हैं, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री में लोग स्क्रिप्ट तैयार करके ही फिल्म बनाते हैं, बिना स्क्रिप्ट के वो लोग फिल्म नहीं बनाते। तो उसी तरीके से आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको भी एक स्क्रिप्ट तैयार करना है। मैंने किया है तभी मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं ये वीडियो नहीं बना पाता। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रिप्ट तैयार कर लेना है। ठीक है, स्क्रिप्ट तैयार करने के बाद आपको वॉइस क्वालिटी पे ध्यान रखना। अगर आप वीडियो बना रहे हैं तो आपको वीडियो बनाने के दौरान आपको अपने वॉइस क्वालिटी पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपने वॉइस क्वालिटी पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपकी वॉइस की क्वालिटी वीडियो में अच्छी होनी चाहिए, लोगों को स्मूथली सुनाई देना चाहिए, लोगों को आपकी आवाज़ पसंद आनी चाहिए, किस तरीके से घरघराहट एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो लोग आपकी वीडियो को पसंद करेंगे। वॉइस क्वालिटी के साथ साथ आप अपनी इमेज की जो क्वालिटी है, जो स्क्रीन पर जो वीडियो है उसकी जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रखें। ठीक है, तो ये आपका चौथा पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और वॉइस क्वालिटी को अच्छा करने के लिए आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जो एडिशनल नॉइज़ होता है उसको रिमूव करने के लिए बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो पेड वर्जन भी होते हैं, फ्री वर्जन भी होते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप अच्छा माइक का यूज़ कर सकते हो। घर पे बना रहे हो तो सिंपल माइक भी रहेगा, चलेगा। आउटडोर बना रहे हो तो आपके पास एक बढ़िया माइक होना चाहिए जो आपकी आवाज़ को ही कैच करे, आउटसाइड आवाज़ को ना के बराबर कैच करेगा। करता भी तो ना के बराबर कैच होना चाहिए, एडिशनल वॉइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हो। टेक पर बना रहे हो तो ठीक है, आप घर के अंदर बनाओगे चलेगा। अगर आपका ब्लॉगिंग है तो आप ओबियसली आप बाहर बनाओगे, तो आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपका वॉइस क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, आता है एडिटिंग। वीडियो बनाने के बाद, अच्छा वॉइस क्वालिटी देने के बाद, आपको अपने एडिटिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं भर भर के आप एडिटिंग दे रहे हो, वो चीज़ आपको ध्यान देना है। एडिटिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स एडिटिंग पे ध्यान देते हैं, आपको भी ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद करें यूट्यूब वीडियो SEO, जिसके बारे में बताया। अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें 4 पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। थंबनेल हो गया, जो सिंपल और अट्रैक्टिव होना चाहिए, एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होना चाहिए जिससे लोग आपकी वीडियो देखें। समय दीजिए, जैसे आपने वीडियो में दिया वैसे थंबनेल में भी समय दीजिए। अच्छा थंबनेल क्रिएट करिए, इसके लिए अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस मार्केट आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, आप उनके रिलेटेड वीडियो देखें। मैंने ऑलरेडी किस पर वीडियो बनाया आप वो देख सकते हैं, मैंने किस तरीके से थंबनेल यूज़ करता हूं। आप उस तरीके से चाहे थंबनेल या फिर जो जिस क्रिएटर को आप फॉलो करते हैं आप उनके जैसे थंबनेल बना के भी आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, थंबनेल को मैच करना चाहिए आपका टाइटल। ठीक है, जो आपने आपने टाइटल दिया है वो छोटा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, जो कि आपके थंबनेल के साथ जब मिले तो एक स्टोरी क्रिएट हो जिसको लोग समझे कि हाँ इस बंदे ने इस तरीके का वीडियो बनाया होगा। ठीक है, तो थंबनेल, एक अच्छा सा टाइटल यानी शॉर्ट टाइटल और यूनिक टाइटल आपका होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे आपको ध्यान देना है। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसको ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है, ज़्यादा टिपिकल नहीं बनाना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन में देना है। और जो बाकी का स्पेस है आप अपने वीडियो से रिलेटेड जो और वीडियोज़ है उसका लिंक आप दे दीजिए, जिससे लोगों को आपके वीडियो को सर्च करने में दिक्कत ना हो, इजीली आपके वीडियो को सर्च कर सके और दूसरे वीडियो को वॉच कर सके। तो आपको डिस्क्रिप्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, YouTube जो भी पॉइंट्स देता है वो इसलिए नहीं देता है कि वो फालतू है, वो इसलिए देता है कि उसका अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका वीडियो रैंक करने का चांसेस बढ़ता है। ठीक है, चौथा है टैग्स। ठीक है, SEO को बढ़ाने के लिए आपको टैग्स का यूज़ करना है। टैग्स जेन्युइन होना चाहिए, फेक बोले तो जो आपका वीडियो है उसी से रिलेटेड टैग्स होना चाहिए, फालतू टैग्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, टैग्स भी जेन्युइन होना चाहिए, छोटे टैग्स, ज़्यादा बड़े टैग्स नहीं होना चाहिए। आप सर्च करके भी टैग्स ला सकते हो। ठीक है, कीवर्ड्स बोल सकते हैं आप उसको, वो आप यूज़ करना, अच्छा कीवर्ड यूज़ करना है, जिससे लोग सर्च करते हो वही कीवर्ड आपको यूज़ करना है, जैसे कि आपका वीडियो रैंक करे, लोगों के सर्च में आए, लोगों के सजेशन में आए। ठीक है, तो
आपको ये बात क्लियर होगी ठीक है। और यूट्यूब मार्केटिंग लास्ट में सबसे जो जरूरी होता है मार्केटिंग। फिल्म इंडस्ट्री में आप देखते होंगे जब फिल्म आने का समय होता है तो लोग अपने फिल्म की क्या मार्केटिंग करते हैं, उसको इधर दिखाते हैं, उसको उधर दिखाते हैं, उसको ऐसे दिखाते हैं, उसको वैसे दिखाते हैं। लोगों को माइंड में आता है कि यार इस सलमान खान की नई फिल्म आ रही है, इसकी नई फिल्म आ रही है, उसकी नई फिल्म आ रही है। लोगों के दिमाग में ऐसे भर दिया जाता है कि लोग देखते हैं उसकी फिल्म को। अगर मार्केटिंग नहीं करेगा तो लोगों को, तो बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं चलेगा कि भाई इसकी फिल्म भी आई है, लोग यहीं कैसे हैं। तो उसी तरीके से मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है आपको, खासतौर में इनिशियल स्टेज पे, कि लोग आपकी वीडियो को देखें, लोग आपकी वीडियो को वॉच करें, लोगों को पता चले कि एक नया क्रिएटर आया है, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स का आपको अच्छे से ध्यान रखना है दोस्तों, तभी आप एक अच्छे क्रिएटर्स बन पाओगे, अच्छे वीडियो आप सफलतापूर्वक एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट कर पाओगे, आप मार्केट में उतर पाओगे, अपने वीडियो को दिखा पाओगे, और एक लंबे समय, एक अच्छा समय देने के बाद आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन पाओगे। तो जैसे कि आपने सभी पॉइंट्स को नोटिस किया, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप अपने YouTube चैनल को ग्रोथ कर पाएंगे। उनमें से है कोलैबोरेशन। जी हाँ दोस्तों, एक दूसरे यूट्यूबर्स के साथ आपको कोलैबोरेट करना होता है। ये होता क्या है, बहुत सारे यूट्यूबर्स को इसके बारे में नहीं पता होता है जो नए यूट्यूबर्स होते हैं। इसमें होता है कि जो जिसके साथ आप कोलैबोरेट करते हैं उसका मतलब होता है कि वो बंदा आपको अपने वीडियो में दिखाएगा, ऐसा ही आपका इंटरव्यू लेगा, आपके बारे में इंट्रोड्यूस करेगा वो अपने चैनल पे, और आप अपने चैनल पे उसको इंट्रोड्यूस करोगे। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, तो इसको कोलैबोरेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से आप अपने चैनल को ग्रोथ कर सकते हैं। ज़्यादातर केस में क्या होता है, अगर आप एक नए यूट्यूब क्रिएटर हैं और आप किसी पुराने क्रिएटर्स को कोलैबोरेट करने के लिए बोलते हैं तो वो मना कर देता है, ठीक है। तो ऐसा आप जैसे कि मान लीजिए आपके पास 500 सब्सक्राइबर है, 1000 सब्सक्राइबर, तो आप ऐसे ही यूट्यूब चैनल्स को पकड़िए जो जिसके इतने ही सब्सक्राइबर हो, 1000, 1500, 2000, तो वो उस चीज़ में आपकी मदद करेगा और आप इस चीज़ में उसकी मदद करते हैं। इस तरीके से आप एक दूसरे की हेल्प करके अपने चैनल को ग्रोथ कर पाएंगे, ठीक है। तो यूट्यूब, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो मैंने अभी तक बताया होगा आपको वो क्लियर हो गया होगा, और आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट रहता है ना तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया था, मैंने काफ़ी पढ़ा था इस वीडियो को बनाने के लिए, मैंने नोट डाउन किया, तब जाके मैं इतनी लंबी वीडियो बना पा रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, कि आप यूट्यूब पर अपनी स्टार्टिंग कर सकें। यूट्यूब से आप पैसा कम, यूट्यूब चैनल तो आप कोई वीडियो देख के बना सकते हैं, बट यूट्यूब पर काम करना इंपॉर्टेंट होता है यार। चैनल तो बना लिया जाता है, लाखों चैनल है, बट हर एक चैनल ग्रोथ नहीं कर रहा है, हर एक चैनल आगे नहीं बढ़ रहा है। लोग साल, दो साल, तीन साल लोग समय दे रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। आप कर सकते हो, यूट्यूब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिन लोगों को आप देख रहे हैं मिलियंस में सब्सक्राइबर, लाखों में सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उन लोगों ने भी जीरो से स्टार्ट किया था, उन लोगों ने भी मेहनत किया था, उन लोगों ने भी समय दिया था, उन लोगों ने रेगुलरिटीज दिखाई थी, तब जाके वो आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं। थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है आज के समय में, बट ऐसा नहीं है, नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, आप कर सकते हो। आप स्टार्ट करो, चालू करो, क्योंकि जब तक आप पहला कदम नहीं रखोगे तब तक आपका दूसरा कदम नहीं होगा। तो किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको अपना पहला कदम रखना ही पड़ेगा। आप YouTube चैनल की जर्नी स्टार्ट तो करो, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। धीरे 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 आपको ग्रो कर पाओगे, आप पैसे कमा पाओगे। YouTube एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि YouTube से आज के समय में लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं। आप एक स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, आप हाउसवाइफ हो, आप कोई भी काम करते हो, कोई भी बिजनेस करते हो, आप अपना थोड़ा सा समय दे के यूट्यूब पे, आप अपना जो वो समय जो आप बर्बाद करते हो इधर उधर फालतू खेलने कूदने में, या फिर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में, या किसी अदर फील्ड में, तो उनमें से कुछ समय निकाल कर आप यूट्यूब चैनल पे अच्छा बिना पैसे खर्च के स्टार्टिंग कर सकते हो, एक ग्रोथ कर सकते हो और एक अच्छा करियर क्रिएट कर सकते हो। 10 घंटे लोग नौकरी में देते हैं, 20,000, 25,000, 30,000 कमाते हैं। अगर आपने यूट्यूब पे ग्रोथ कर लिया तो आप महीने को लाखों कमा सकते हो। समय तो देना पड़ेगा, बट आपका खुद का जगह होगा, आपका खुद का प्लेस होगा, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने समय के अनुसार आप वीडियो बना पाओगे, आप समय के अनुसार वीडियो डाल पाओगे, आपको किसी को जवाब नहीं देना, आपको आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि भाई तू इतने समय में क्यों नहीं आया, ऐसे क्यों नहीं किया, ठीक है। तो एक यूट्यूब पे करियर बनाना आज के समय में बहुत, मतलब स्टार्टिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है, बट आपको उसको ग्रोथ करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा, आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा,
ठीक है, लोगों से पूछना पड़ेगा, आपको वीडियोस भी देखना पड़ेगा, तभी जाके आप उस पर अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे। आपको प्रॉपर उसमें मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तभी एक अच्छा यूट्यूबर यूट्यूब क्रिएट कर पाओगे आप, ठीक है, उससे पैसे कमा पाओगे। आप देखते होंगे कितने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, लाखों रुपए उससे जनरेट कर रहे हैं, बड़े यूट्यूबर्स से, मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स कौन से हैं, ठीक है, आप उनसे लाखों कमा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो पैसे कमाने का, बट यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाता है जहाँ पर आप अपने आप को भी लोगों के सामने रख सकते हो, प्रजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो इन तरीक़ों से आप YouTube चैनल पर ग्रोथ कर सकते हो, YouTube पे एक सक्सेसफुल करियर क्रिएट कर सकते हो, आप YouTube पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म है YouTube जहाँ पे आप अच्छा खासा ग्रोथ कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर करिए जिससे कि वो भी आगे बढ़ सके, वो भी ग्रोथ कर सके, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो Thanks for watching.